केमिकल काइनेटिक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2A B के साथ कंबाइन होके C और D बना रहा है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट दिया है 1, 2, 3, 4। जैसा कि आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वन में ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दी है और यहाँ पर इसका रेट दिया हुआ है। रेट का मतलब किस रेट से ए कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से बी कंज्यूम हो रहा है और किस रेट से सी और डी बन रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.11। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ हो जाएगा रेट is equal to k a की पावर x एंड b की पावर y। यहां हम लिखेंगे a की पावर x, b की पावर y, हमें यही पावर निकालनी है। a की पावर क्या होगी, b की पावर क्या होगी। आप इधर a की पावर 2 b की पावर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक थियोरिटिकल वैल्यू नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये 2 और 1 ये मॉलिकुलरिटी हो सकते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं हो सकते। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। यहां पर ये 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन। अब इन 4 इक्वेशन के लिए पहली इक्वेशन के लिए रेट की वैल्यू दी है 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.1 की पावर एक्स एंड 0.1 की पावर y। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन 7.2 × 10⁻³ ये रेट इज इक्वल टू k 0.3 की पावर x एंड 0.2 की पावर y, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे और ऐसे ही हम फोर्थ इक्वेशन लिख लेंगे। तो यहां पर हमने ये थर्ड इक्वेशन भी लिख ली, रेट दिया है a की पावर 0.3 की पावर x, 0.4 की पावर y, फिर फोर्थ इक्वेशन भी लिख ली। अब हम इन फोर इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू निकाल ली। ऐसा करें हम फर्स्ट को पहले फोर्थ से डिवाइड कर दें। जब हम फर्स्ट को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.4 को मैं 24 लिख रहा हूं, 24 × 10⁻³। ये 0.1/10, ये -3 हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में k 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाय k 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। जब हम फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो बस ये y और y कैंसिल हो गया, ये k से k कैंसिल हो गया। यहां पर ये 0.1/0.4 दिस इज इक्वल टू 1/4 की पावर x, -3 -3 6 × 4 = 24 ये 1/4 की पावर 1, तो x इक्वल टू 1, यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड किया तो यहां पर x इक्वल टू 1 आ गया। अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो y के लिए हमें वो इक्वेशन लेनी पड़ेगी जिसमें x पूरी तरह कैंसिल हो जाए, जैसे 0.3 की पावर x और ये 0.3 की पावर x। तो हम इक्वेशन 2 एंड 3 को इसमें डिवाइड करते हैं। थर्ड हो जाएगी 2.88 ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड हो जाएगी 2.88। ये 2.88 को हम 28.8 × 10⁻²⁻²- लिख लेते, इसको 28.8
क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ 7.2 इंटू 10 इस टू पावर माइनस 2 है, तो ये 7.2 इंटू 10 इस टू पावर माइनस 2 और यहां पर ये 28.8 इंटू 10 इस टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई के 0.3 की पावर x एंड 0.4 की पावर y, तो x से x कैंसिल, k से k कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, 7.4 जा 28, दिस इज इक्वल टू 1/4 और 0.2 अपॉन 0.4 दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। तो यहां पर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, तो मैं इसको 1/2 की पावर 2 लिख देता हूं, 1/2 की पावर 2 इज 1/2 की पावर y, सो y इज इक्वल टू 2। तो रेट एक्सप्रेशन यहां पर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1, a की पावर x थी तो a की पावर 1 और b की पावर 2, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1+2, 3। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 3।